पंजाब कांग्रेस की सियासत में फिर उबाल आ गया। सूबे की सियासत में अंतरकलह लंबी खिंचती जा रही है। अभी नवजोत सिंह सिद्धू के विवाद की चिंगारियां पंजाब में शांत ही नहीं हुई थी कि दूसरी तरफ कांग्रेस विधायक अमरिंदर सिंह राजावड़िया ने सूबे के वित्त मंत्री पर गंभीर आरोप लगाया है। ये नया आरोप बखेड़ा खड़ा करता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस हाईकमान ने जहां सारे विवाद को जुलाई के पहले सप्ताह में सुलझाने का दावा किया था, वहीं अब राजा वडिंग ने वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल पर अकालियों को धन बांटने का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी से उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की मांग कर डाली। ट्विटर के जरिए मनप्रीत बादल पर हमला बोलते हुए राजा बराड ने 4 तस्वीरें जारी की, जिनमें एक ही शख्स मनप्रीत बादल, प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर बादल और विक्रम सिंह मजीठिया के साथ नजर आ रहा है। राजा बड़िया ने ट्वीट किया कि पंजाब के वित्त मंत्री लोगों का पैसा पंजाब को बर्बाद करने वाले अकालियों को बांटने में व्यस्त हैं। कांग्रेस को कमजोर और अकाली दल को मजबूत करने की ये योजना मनप्रीत बादल द्वारा महीनों से चलाई जा रही है। राहुल गांधी से निवेदन है कि तुरंत अनुशासनात्मक कार्रवाई कर इनका इस्तीफा लिया जाए। राजा बराड़ के आरोपों पर मनप्रीत बादल की प्रतिक्रिया का इंतजार है, लेकिन इस नए बवाल से साफ हो गया है कि चुनाव से पहले पंजाब कांग्रेस के नेता एक दूसरे को निपटाने में लगे हैं। दरअसल कैप्टन सरकार में वित्त मंत्री मनप्रीत बादल प्रकाश सिंह बादल के भतीजे हैं। अकाली दल में मतभेद के बाद उन्होंने पंजाब पीपल्स पार्टी बनाई थी। 2012 में विधानसभा चुनावों में PPP बेहद बुरे प्रदर्शन के बाद मनप्रीत बादल ने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर लिया। राजा बराड़ और मनप्रीत बादल के बीच सियासी अदावत भी पुरानी है। 2017 में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उन्हें वित्त मंत्री बनाया। मनप्रीत बादल की पहचान लो प्रोफाइल रखकर काम करने वाला नेता की और एक अच्छे वक्ता की है, जबकि विधायक राजा बराड़ यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। उन्हें पंजाब कांग्रेस के तेज तरार युवा नेताओं में गिना जाता है। भटिंडा से विधायक मनप्रीत बादल, मुकतसर जिले के गीदड़बाहा से विधायक राजा बराड़ का राजनीतिक क्षेत्र अगल बगल में है। इस वजह से दोनों सियासी प्रतिद्वंदी की तरह नजर आते हैं। कुल मिलाकर पंजाब कांग्रेस की लड़ाई संभलते नहीं संभल रही। अभी आलाकमान ने सिद्धू और कैप्टन के झगड़े का ही पूरी तरह निपटारा नहीं किया था। ऐसे में यह नया बखेड़ा कांग्रेस के लिए भारी पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।